होम एनर्जी सेवर्स के 50 वॉट पोर्टेबल फ्लड लाइट के डेमो में आपका स्वागत है। ये इसका कैरी केस है। अब हम देखेंगे कि कैसे इसे असेंबल किया जाता है। ये इसका वुडन कैरी केस है विथ ट्रॉली व्हील्स, जो कि ये साइड पर हमने दिए है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ईजी ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि कैसे इसको खोल के असेंबल किया जाता है। ये इसका कैरी केस है। इसके फ्रंट में दो लॉक नट्स दिए हैं जिसे ट्विस्ट करके हम ओपन करेंगे अभी। ये 50 वॉट पोर्टेबल फ्लड लाइट सिस्टम है। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जर है जो कि बैटरी को चार्जिंग के लिए दिया गया है। ये एक फास्ट चार्जर है। इसको दो वायर्स दिए हैं, एक मेंस का 230 वोल्ट एसी में प्लग किया जाएगा और दूसरा है वो बैटरी बॉक्स में प्लग किया जाएगा, जो कि हम अभी ये डेमो में देखेंगे। उसके बाद में चलते हैं फ्लड लाइट में। ये LED की 50 वॉट फ्लड लाइट है IP65, और इसको एक फ्लेक्सिबल वायर दी है, एक्सटेंडेबल वायर है, और इसको भी एक DC कनेक्टर दिया है जो कि बैटरी बॉक्स के अंदर प्लग इन होगा। इसके बाद में है ये बैटरी बॉक्स जिसके अंदर बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बिठाए हैं, प्लस सायरन भी है इसके अंदर हूटिंग फंक्शन के लिए। और इस साइड पर इसकी पैनल और कंट्रोल स्विचेस है, प्लस DC कनेक्टर भी है। इसके अलावा इसके साथ एक रिमोट कंट्रोल और की ऑपरेशंस के लिए स्विच, ऑथेंटिकेशन स्विच दिया है, की स्विच, और ये रिमोट कंट्रोल है। इसके अलावा इसके साथ एक ट्राइपॉड स्टैंड दिया है जो कि एक्सटेंडेबल 7 फीट ट्राइपॉड स्टैंड है। अब सबसे पहले आपको ट्राइपॉड स्टैंड को असेंबल करना है। ये 7 फीट हाइट तक एक्सटेंड हो जाएगा। सबसे पहले इसके जो तीन टांगे हैं इसे खोलकर इसे सिक्योर कर ले। सिक्योर होने के बाद इसमें जो लॉकिंग के लिए एक नॉच दिया है, लॉक नॉच, वो उसे बंद कर दीजिए ताकि ये रॉड जो है, ये रॉड है, ये स्लिप नहीं होगा, उसे सिक्योर हो जाएगा। आपके रिक्वायर्ड हाइट पर उसे लाते हुए असेंबली के टाइम पर अराउंड 3 फीट टू 4 फीट के बीच में रखिए ताकि असेंबली आसान हो सके। इसके बाद फ्लड लाइट को हम, फ्लड लाइट में एक नट दी है, नट अरेंजमेंट टाइप, जो कि ये बोल्ट के अंदर फिट होके उसे हम घुमाएंगे ताकि ये जो लाइट फिटिंग है ये ट्राइपॉड स्टैंड पर सिक्योरली बैठ जाए। ये करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको लाइट को न घुमाते हुए इस रॉड को गोल गोल घुमाना है, टाइट और लूज करने के लिए, दोनों के लिए। तो अभी हम लाइट फिटिंग को सिक्योर कर ले। पहले इसे, ये रॉड घुमाते समय ये लॉकिंग नॉच है, ये खुला रहना चाहिए ताकि इस रॉड को फ्री मोमेंट मिल सके। ये रॉड, ये नॉच अगर बंद है तो ये रॉड नहीं घूमेगा। इसके लिए हमें इसे खुला रख के इसे घुमाना है। इसे तब तक घुमाना है जब तक वो टाइट नहीं हो जाए। टाइट होने के बाद इसको रिक्वायर्ड हाइट पर हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब डेमो के लिए हम इसको इसी हाइट पर मेंटेन रखेंगे और अब बैटरी बॉक्स को हम यहाँ पर लगा देंगे। बैटरी बॉक्स लगाने के लिए बैटरी के बैक साइड पर एक नॉच दी है जो कि यहाँ पर दी हुई क्लैंप के ऊपर आपको फिट करना है।
तो ये आपकी बैटरी बॉक्स और फ्लड लाइट, ये सारी चीज़ अब इंस्टॉल हो गई है। अब डीसी कनेक्टर में हम ये कनेक्टर डालेंगे। कनेक्टर डालते समय कनेक्टर में भी एक नॉच है, एक गैप है, जिसको आपको ध्यान में रखते हुए इसी कनेक्टर में भी एक गैप है ऊपरी साइड में, जो आपको मैच करके ही इसे अंदर बिठाना है। अगर आप मैच नहीं करेंगे तो कनेक्टर अंदर नहीं जाएगा। इसे अंदर डालकर नट, रिंग नट को टाइट कीजिए ताकि कनेक्टर सिक्योर हो जाए। अब हमारी लाइट इंस्टॉल हो गई है एग्जैक्टली अराउंड 3-4 मिनट्स के अंदर अंदर। अब हम इसको रिमोट कंट्रोल अथवा फ्रंट पैनल से कंट्रोल कर सकेंगे, तो देखते हैं कैसे इसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए जो चाबी दी है उसे अंदर इंसर्ट करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। चाबी घूमते ही आपके ये बैटरी इंडिकेटर लाइट्स जो है 25%, 50%, 75% और 100% ये चालू हो जाएंगे, ताकि एक इंडिकेशन है कि सिस्टम ऑन हो गई है, पर लाइट ऑन नहीं होगा। लाइट ऑन करने के लिए हमें ये फ्रंट पैनल के स्विचेस का इस्तेमाल करना है, जो कि रेड स्विच है वो सायरन को एक्टिवेट करेगा और जो ब्लैक स्विच है वो लाइट को एक्टिवेट करेगा। तो अब हमें अब रिमोट कंट्रोल के ज़रिए हम सिस्टम को ऑन करेंगे। सिस्टम को ऑन करने के लिए चाबी आपका ऑन पोजिशन में होना चाहिए, और या तो रिमोट कंट्रोल के स्विच के ज़रिए जिसमें ABCD ऐसे कीज दी है, या ये पैनल के ऊपर जो ब्लैक स्विच दिया है, ब्लैक स्विच के प्रेस करने पर लाइट को स्टार्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैनल से लाइट को चालू करने की प्रोसीजर। तो ये चालू हो गया है लो मोड में, अब मीडियम मोड में और अब फुल पावर। इसे 3 बार आपको दबाते हैं तो एक एक स्टेप में वो ब्राइट होगा, जैसे लो, मीडियम और हाई, और चौथी बार उसे प्रेस करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ये था फ्रंट पैनल से ऑपरेशन। अब हम देखेंगे रिमोट कंट्रोल से कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल आपको अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स की रेंज देगा, 80-100 मीटर्स। इसे हम अब हम देखेंगे कैसे इसको ऑन किया जाता है। इसमें ए स्विच है, ए स्विच को आपको दबाना है। जैसे अब आपने देखा कि ए स्विच दबाते ही लाइट लो मोड में चालू हो गई है, और एक बार इसे दबाएंगे तो मीडियम मोड में चली जाएगी, और एक बार दबाएंगे इसको तो हाई मोड में चली जाएंगी, जो कि 50 वॉट्स है, पूरी 50 वॉट्स है। ये रफली आपको अराउंड 7-8 आवर्स बैकअप देगी इन 50 वॉट्स। और अभी ऑफ करने के समय भी हमें ए स्विच को प्रेस करना है ताकि ये बंद हो जाएगा। लाइट ऑफ हो चुकी है। इसके अलावा इसमें एक सायरन दी गई है जो हुटर फंक्शन है इसका, जो अब हम देखेंगे कैसे इसे भी दो तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। एक तो इसके अंदर जो लाल स्विच दी है, ये लाल स्विच को आप ऑपरेट करके हीटर को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर रिमोट कंट्रोल से भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल में जो बी बटन है, बी बटन को प्रेस करेंगे तो भी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी रिमोट कंट्रोल के सिग्नल्स भेजेंगे तब यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट ग्लो होगी, ताकि ये इंडिकेशन है कि रिमोट के साथ सिस्टम बात कर रही है, अथवा ये रात को भी सिस्टम लोकेट, अगर बंद है तो इसे लोकेट करने में मदद करेगी। इसे हम अब ऑन करके थोड़ा एक्सटेंड करके देखते हैं कि कितनी हाइट तक ये जा सकता है। तो सबसे पहले हमने लो मोड में स्टार्ट किया है इसे, अब हम उसको ट्राइपॉड से एक्सटेंड करेंगे। ये 7-7.5 फीट तक ट्राइपॉड एक्सटेंड हो चुका है।
अब हम बंद करके इसे वापस रख देंगे ताकि आपको शटडाउन प्रोसीजर भी ध्यान में आएगा। सबसे पहले अब लाइट को नीचे खींच के ये पोजीशन में लॉक कर रहे, लाइट को ऑफ कर दे। की स्विच से सिस्टम को ऑफ कर दें। सिस्टम ऑफ हो चुकी है। अब इसे हम वापस इसके बॉक्स में रख देंगे। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है हमें। ये कनेक्टर डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये बैटरी बॉक्स को हम नीचे रख देंगे। इसकी जगह दी है उसी जगह पर उसे रखिए। अब हम देखेंगे कि कैसे बैटरी बॉक्स को चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले चार्जिंग करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि बैटरी बॉक्स को बॉक्स में रख के चार्ज नहीं करना है। तो बैटरी बॉक्स को सबसे पहले निकाल कर टेबल पे हम रखेंगे। अब इसका इलेक्ट्रिक चार्जर निकाल कर टेबल पे रख कर इसे चार्ज करेंगे। चार्जिंग करते समय आपको ये वेल वेंटिलेटेड प्लेस में करना है। इसको किसी चीज़ से चार्जर को कवर नहीं करना है, इसको खुली हवा में रख के इसे चार्जिंग करना है। तो ये इसकी जो 3-pin सॉकेट है, 3-pin टॉप है, ये हम प्लग में इंसर्ट करेंगे। ये स्विच आपको अभी चालू नहीं करना है, पहले इसकी जो डीसी कॉर्ड है, डीसी कॉर्ड को अपनी जगह पर चार्जिंग, ये सेम पोर्ट में आपको डालना है जहां पर लाइट हमने चार्जिंग के लिए डाली थी, वहीं पर आपको डालना है। ये भी नॉच मैच करते हुए आपको डालना है। और रिंग नट को टाइट करना है। अब ये आपकी बैटरी बॉक्स कनेक्ट हो चुकी है जिसे हम अभी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते समय इससे पहले चाबी यहाँ पर नहीं रखे, चाबी को आपको निकालना है, ऑफ पोजीशन में रखकर चार्ज करना है। तो इसके चार्जर के ऊपर दो इंडिकेशंस दिए हैं जो कि पावर और स्टेटस, चार्जिंग स्टेटस के हैं। तो हम ऑन करते हैं। ऑन करते हुए आप देखेंगे कि पावर और चार्जिंग स्टेटस, ये दोनों लाइट ग्लो हो गए हैं। तो पावर लाइट जो है वो इंडिकेट करती है कि आपकी मेंस पावर आ रही है, और चार्जिंग स्टेटस की जो लाइट है ये बता रही है कि बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी चार्ज कंप्लीट होने पर ये जो हरी लाइट है ये एकदम सी धीमी हो जाएगी। ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है आपको अभी तेज़ चल रही है, ये एकदम डिम हो जाएगी ताकि आपको मालूम पड़ सके कि बैटरी आपकी कम्प्लीटली चार्ज हो चुकी है। ये जो बैटरी लेवल इंडिकेशन यहाँ पर दिया है ये आपको लाइट ऑन रहते समय इंडिकेशन बताने में मदद करेगा, जो कि चार्जिंग करते समय आपको ये एक ही लाइट है जिसे देखना है, चार्जिंग स्टेटस की लाइट जो है जिसे ऑफ है या ऑन है। चार्जर की ये फैन है, इसके ऊपर कवर ना रखे, कुछ पेपर्स ना रखे, इसको वेल वेंटिलेटेड पोजीशन में रखकर चार्जिंग करें। इसकी जो चार्जिंग टाइम है अराउंड 5-6 आवर्स है, इसके अंदर अंदर चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये 4-stage बैटरी लेवल इंडिकेटर है जो कि आपको बैटरी की लेवल बताएगा लाइट ऑन रहते समय, जो कि आप देख रहे हैं 25%, 50%, 75% एंड 100%। अब लाइट को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है लाइट निकालते समय, जो कि सबसे नीचे वाला रॉड, जो लाइट को लगी रॉड है उसको घुमाते हुए लाइट को। और इसे हम अपनी जगह पर रख देंगे। ग्लास को नीचे के साइड में रखते हुए इसे आपको रखना है।
अब हम ट्राइपॉड को कोलैप्स करके उसे बैग में रख देंगे। कोलैप्स करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि इसको ऊपर खींचते हुए, जो सेंटर पार्ट है उसको ऊपर खींचते हुए बंद करना है, लॉक नॉचेस बंद करने हैं। सबसे ऊपरी लॉक नॉच को पूरी, जो ट्राइपॉड की ये रॉड है इसे पूरी नीचे प्रेस करने के बाद आपको बंद करना है, नहीं तो बैग के अंदर फिट होने में दिक्कत हो सकती है। तो जो ये ट्राइपॉड है उसे हम अपनी जगह पर वापस रख देंगे।